Finally, ये बिल आज मौका मिल ही गया इसको पेश करने का. Madam Speaker, I tend to move for leave to introduce a bill further to amend Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2019, Section 365C. जी, इसके बारे में थोड़ा तफसील. जनाब स्पीकर, बुनियादी तौर पर ये जो बिल है ये एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा बर्निंग इश्यू है आजकल हमारे पश्तून बेल्ट में भी, बलूचिस्तान में भी लोग मिसिंग है 8-8, 9-9 साल से. उनको ये पता नहीं है कि उनका ट्रायल कब होगा, शुरू होगा भी नहीं होगा. तो उनको बुनियादी इस चीज को क्रिमिनलाइज करने की कि अगर कोई पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो भी हो, जिनके बाजू के तो हम यहां पर नाम भी नहीं ले सकते, जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो उसके लिए कानून में एक मखसूस पनिशमेंट हो. तो इसके लिए यह अमेंडमेंट आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में. तो इसमें हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट सजेस्ट की है उनके लिए जो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो और वो किसी भी सतह पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में मुलविस हो. सही जी. जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आप बताएं आप इसकी मुखालफत करते हैं या इसकी. अली मोहम्मद खान साहब, जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सर, ये इशू है और काफी सीरियस है, इससे कोई इनकार नहीं है सर. जी अच्छी बात है, तो मैं भी फिर मुझे भी शामिल करने सारा स्टाफ. जी आप बताएं जी, आप इसकी मुखालफत में हैं या इसकी. सर इस वक्त इसको, सर इस वक्त इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो इसको कमेटी में अगर भेज दें, वहाँ इस पर डिस्कशन हो जाए, क्योंकि इसमें जो सजाएं वगैरह तजवीज की गई हैं वो भी बड़ी सख्त हैं. और जिस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का इशू बड़ा अहम है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी भी जो है, हम सबको पता है कि जिस तरह के थ्रेट्स हमें हैं. मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इसको कमेटी में भेज के वहां पर फिर इसको थ्रेट भी डिस्कस किया जाए. ठीक है जी, थैंक यू सर. अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ. सवाल यह है कि मजमुआ ताजियात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ जाब्ता फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम करने का बिल फौजदारी कानून तरमीमी 365 जीम पेश करने की इजाजत दी जाए. वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें. मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब नहीं में है, लिहाजा बिल. मैं एक दफा दोबारा कहता हूं जी, वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें. मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब नहीं में है. आइटम नंबर 21, कमेटी में तो जा रहा है जी. हाँ जी, मैं दोबारा एक दफा पुट करता हूं जी इसको, दोबारा एक दफा. वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें. मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब नहीं में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती. आइटम नंबर 21, जनाब रियाज फतियाना साहब आइटम नंबर 21 पेश करें. जी शुक्रिया जनाब स्पीकर. आप दो दफा में, तीन दफा में कर चुका हूं जी. हाँ ना, आई जनाब स्पीकर, आई मूव फॉर लीव टू. जी रियाज फतियाना साहब जी. जी अली मोहम्मद खान साहब, एक मिनट जी. जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था
اپوز تو ہم اس کو کر ہی نہیں رہے تھے آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ ووٹنگ کی ضرورت ہے میں تو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں وہاں اس کو ڈسکس کر لیں گے اس پہ تو ووٹنگ کی میرا نہیں خیال ضرورت تھی سر ٹھیک ہے جی میں کاؤنٹنگ کروا دیتا ہوں جی جی کاؤنٹنگ کریں جی جو اس کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں بس ٹھیک ہے جی بیٹھ جائیں جی اب وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں جی اب وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں
میرے خیال میں اکثریت کا جواب نہیں میں ہے آئٹم نمبر 21 کمیٹی میں تو جا رہا ہے جی جی میں دوبارہ ایک دفعہ پٹ کرتا ہوں جی اس کو دوبارہ ایک دفعہ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں میرے خیال میں اکثریت کے جواب نہیں میں ہیں لہذا بل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی آئٹم نمبر 21 جناب ریاض فتحانہ صاحب آئٹم نمبر 21 پیش کریں جی شکریہ جناب سپیکر آپ دو دفعہ میں تین دفعہ میں کر چکا ہوں جی ہاں ہاں جناب سپیکر آئی موو فار لیو ٹو جی ریاض فتحانہ صاحب جی جی علی محمد خان صاحب ایک منٹ جی جی سر میں یہ عرض کر رہا تھا اپوز تو ہم اس کو کر ہی نہیں رہے تھے آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ ووٹنگ کی ضرورت ہے میں تو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں وہاں اس کو ڈسکس کر لیں گے اس پہ تو ووٹنگ کی میرا نہیں خیال ضرورت تھی سر ٹھیک ہے جی میں کاؤنٹنگ کروا دیتا ہوں جی جی کاؤنٹنگ کریں جی جو اس کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جی